पंजाब में पंचायती चुनावें होने जा रही हैं और चुनाव से पहले किस तरीके को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव इस बार पंजाब में होनी है उसको लेकर लोग जो है अपने स्तर के ऊपर ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। हमारे साथ बात करने के लिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फेमस एक्टर मौजूद है। मैम, आप लोगों की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि पंचायती चुनाव में लोग अपने स्तर के ऊपर ही चीज़ों को वो मैनेज किया जाए, किस तरीके से आप लोगों को मैसेज दे रही हैं? देखो, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो पंजाब जो घर के मसले हैं वो घर में ही संभाले जाए, बजाय कि आप कोर्ट कचहरी जाते हैं, इतने पैसे लगते हैं, फिर घर से सारा काम छोड़ के जाते हो। नस्लें फसलें सभ्याचार समझे, ये सारा कुछ खत्म हो गया ना, नस्ल भी खत्म हो गई है और खेती भी खत्म हो गई है, क्योंकि सारा सारा दिन कोर्ट में बैठ के लोग काम क्या कर सकते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर किसी का पानी निकाल, किसी की फसल सूखी या कुछ और हो गया, या धरने पर बैठ गए, ये बातें तो इनसे तो कुछ नहीं सॉल्व होएगा ना। वे सारे अच्छी ईमानदारी से काम करें ताकि अपने गांव की नुहार को संवार लें। गाँव पंचायती चुनाव की जब भी हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। आप भी पंजाब की रहने वाली हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी करती हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको सुनते और समझते हैं, क्या मानती हैं कि पंचायती चुनाव में किस तरीके का बदलाव आप लोग देखती हैं जो पहले होता था, जो अब आप लोग चाहते हैं ताकि आप लोगों को आगे आने पड़ा है? अब वो पहले वाला तो रहा ही नहीं ना कोई, हालांकि हमारे घर में भी एक पार्टी के बंदे थोड़ी थे, कोई कांग्रेस है, कोई कहीं था, कोई कहीं था, पर पंचायत जो थी ना हमारे गांव की, वो कहना मानते थे, चार पांच गांव हमारे फादर का कहना मानते थे कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए थे। तो वही उसके लिए मैं बचाव के लिए कह रही हूँ, यूथ है सारा दिन कोर्ट में बैठा रहे, बुजुर्ग कोर्ट में बैठे रहे, तो ये अच्छी बात है क्या? फाइलें इतनी इतनी जमा है, 50 साल तक भी चले जाएँ ना, 50 साल तक जज से कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि जज तो दूसरे दिन बदल जाते हैं, उन्हें क्या मालूम केस का? गाँव वालों को तो पता होता है ना, सारे केस का पता होता है, वो उसका निर्णय ले सकते हैं। आपको खुद लोगों के सामने आना पड़ा है, आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है, मेन मोटिव क्या है आपका? क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हो तो जाहिर है बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, आप लोगों को, आपको इस मसले के लिए आना पड़ा, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, ये कोई मसला मेरे मेरा बड़ा चेहरा बड़ा नाम की बात नहीं है, मैं मेरा मतलब है मैं आई बिलोंग टू पीपल, होल लोगों से, लोगों को मैं बिलोंग करती हूँ, मैं आम हूँ, खास नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि कोई दुखी ना हो। क्या चाहती है पंचायती चुनावों में? पंचायती चुनाव तो मैं चाहती हूँ कि अपनी मर्जी से कोई ऐसा बंदा चुनो जो तुम्हारे फैसले ठीक कर सके, जो ईमानदारी से काम करे, जिसको अपना आप ऐसे नहीं हो कि मैंने पैसे जैसे ले लिए, इतने पैसे मैं खर्च कर दूँ तो खर्च करके मैं फिर वो पैसे अपनी जेब में रख लूँ, ऐसा ना करें। जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, और काम गाँव के, और कोई मरीज है, और 3600 काम गाँव के होते हैं, वो मैं किया जाए तो अलग अलग कामों को किया जाए, ये बात कही जा रही है। और जिस तरीके से अब पंजाब में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के चुनाव भी क्या पिछले जो कई सालों से जो एक रीत चली आ रही है वो बदली है या उसी तरीके से चुनाव होते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।